आफ्टरनून एवरीबॉडी। हम लोगों ने चैप्टर खत्म कर लिया है गिल्लू। क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस हो चुके हैं। किसी को उसमें कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है उसमें? सुराही क्या होती है बेटे, बताओ सुराही। आप यहां बैठेंगी, आप यहां बैठेंगी। हाँ, जैसे घड़ा होता है ना, घड़ा होता है ना, घड़ा पूरा सारा गोल होता है, वो घड़े की तरह नीचे से गोल होती है, ऊपर से पतली होती है, और उसका ऊपर से ऐसे मुंह बना होता है, ठीक है, साइड में हैंडल भी लगा होता है। जो घड़ा होता है उसको हैंडल नहीं लगा होता ना, सुराही को हैंडल भी लगा होता है, वो होती है सुराही, ठीक है। इसका चुन्नट, ये है चुनटे, चुन्नट, ठीक है। और कुछ क्या? कौन सी चुन्नट? साड़ी पहनते हैं जैसे फॉल होती है ना भाई, ऐसे ये चुन्नट बन जाती है, इसको ऐसे करते हैं, ये जो है ये चुन्नट बन गई, ये चुन्नट है। पर्दे लगे होते हैं ना, पर्दों के बीच बीच में चुन्नट पड़ी होती है, ठीक है। अगर आप पर्दों को देखो, उसको फोल्ड किया हो तो ऐसे लाइंस लगी होती है ना, हम उनको इकट्ठा करते हैं तो उसमें चुन्नटें पड़ जाती है, ठीक है, वो है। और कोई बात जो नहीं समझ में आई उसमें? कोई शब्द ऐसा जो नहीं समझ में आया? सब कुछ क्लियर है सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, एनी डाउट? अगर कोई डाउट है तो बेटा पूछ लीजिए, कोई डाउट नहीं है तो प्लीज शो योर थंब। पास में, क्योंकि जो सुराही होती है ना, सुराही में अगर आप पानी डालते हैं तो वो ठंडी हो जाती है बाहर से, जैसे घड़ा होता है, जो सही में घड़े होते हैं। आजकल जो टैप्स वाले मिल रहे हैं उनमें पानी ठंडा नहीं होता, लेकिन जो अच्छा बढ़िया घड़ा हो, दूसरा प्रॉपर घड़ा बना हुआ हो, उसमें अगर आप पानी डाल, मिट्टी का घड़ा हो, आप उसमें जब पानी डालते हैं तो वो ठंडा हो जाता है बाहर से भी, पानी भी ठंडा होता है, घड़ा भी ठंडा हो जाता है, सुराही भी ऐसे ही होती है। तो वो ठंडी सुराही के पास बैठा है, उसे ठंडक मिलती रहती है, ठीक है। एनी अदर थिंग? कुछ ना समझ में आया हो? ठीक है, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, पाठ स्मृति। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। लेखक कौन है? हाँ जी, श्री राम शर्मा। क्या पढ़ा था इस पाठ में हमने, किसी को याद है? दो भाई थे, ओके, ओके, गुड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनीबडी, कोई बताएगा इस पाठ में हम पहले क्या पढ़ चुके हैं? स्मृति पाठ में आर्यन, हरमीत, आर्यन, हरमीत, लीजा, कीर्तिमा, रिधिका, किसी को कुछ भी याद नहीं है? चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। पेज नंबर 8, पाठ स्मृति, श्री राम शर्मा जी का लिखा हुआ। स्मृति का क्या मतलब होता है? आपकी बुक कहाँ है?
वाई। कल से आपके पास डायरी होनी चाहिए जिसमें मैं नोट लिख सकूं, नेक्स्ट मंडे से कॉपी या बुक के लिए जो भी कुछ मुझे आपके पेरेंट्स तक पहुंचाना है मैं डायरी में लिख सकूं, ठीक है? अपने पास मंडे से डायरी रखिए, आपने ली नहीं तो लीजिए फिर, ऐसे कैसे? ओके, कोई बात नहीं, एक बार मैम से पूछ लेना, ठीक है? स्मृति मतलब याद, पुरानी याद, उसे कहते हैं स्मृति। पढ़ेंगे आप? आ जाइए इधर, नहीं इधर आइए, यहां से पढ़िए, आइए। 1908 की बात है, दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? जो रीडिंग की जा रही है उसकी आवाज? ओके फाइन, चलिए। चिल्ला जड़ा पड़ रहा था दो चार दिन। चिल्ला मतलब बहुत ज्यादा सर्दी। हाँ जी। दो चार दिन पूर्व कुछ बूंदे बांधी, बूंदा बांधी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। गर्मियों में जब बारिश होती है तो हमें राहत मिलती है, सर्दियों में अगर बारिश हो जाए तो सर्दी और ज्यादा बढ़ जाती है। सायंकाल के, सायंकाल मतलब शाम, साढ़े तीन, साढ़े तीन, साढ़े 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 तीन या चार बजे होंगे, कई साथियों के साथ में झरबेरी के पेड़ तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहा है। तुम्हारा भाई, तुम्हारे भाई नहीं, तुम्हारा भाई, तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, फिर ये होना चाहिए, तुम्हारे भाई बुला रहे हैं। रीड करो, क्या होगा ये? शीघ्र, यस, शीघ्र ही घर लौट जाओ। शीघ्र मतलब जल्दी। मैं घर को चलने लगा, साथ में छोटा भाई भी था, भाई साहब की मार का डर था इसलिए सहमा हुआ चला जाता था, समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन। थैंक यू बेटा। उसे कहा गया कि आपके भाई साहब बुला रहे हैं, जल्दी घर जाइए। लेखक ने कहा मैं घर को चलने लगा, साथ में छोटा भाई भी था, भाई साहब की मार का डर था इसलिए सहमा हुआ चलता जा रहा था, समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। आजकल बड़े भाई बहनों का ऐसा डर है, है? आपको है? ओके, इनके भाई को इनका डर है। अगर भाई ने किसी के पास संदेश भिजवाया कि आपके भाई आपको बुला रहे हैं, तो लेखक कहते हैं कि हम इतना डर गए कि ऐसे लगा कि हमने क्या गलती कर दी, अब मार पड़ेगी, बड़े भाई का इतना डर था। हाँ जी, ऊंचा बोलिए बेटे। ऊंचा बोलिए। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी ना हो, पर आगमन आशंका, जहां कहीं पूर्ण विराम है वहां रुकिए, जहां कहीं कॉमा है वहां थोड़ा सा पॉज दीजिए, ठीक है? आशंका मतलब आशंका डर, ऐसा लग रहा शक सा था, आशंका थी। पर आंगन ने भाई साहब को पत्र लिखते पाया, अब पिटने का भय दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाना डालाओ तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियां निकल आए, ये बड़ी जरूरी है। जाड़े के दिन थे ही, 30 पर हवा के
प्रकोप से काप कपी लग रही थी, हवा कंप कंपी लग रही थी, हवा मज्जा तक, हवा मज्जा तक, मजा नहीं लिखा, मज्जा, मज्जा तक, मज्जा क्या होती है, मज्जा तो दो नंबर की लेना है, मज्जा मतलब किसी को नहीं पता, हमारे शरीर के अंदर हड्डियों के अंदर तक पदार्थ होता है उसे कहते हैं मज्जा। बैठिए बेटा, थैंक यू। आइए ब्रजेश, कोई बात नहीं, देखो कहते हैं कि उनके भाई ने जब उन्हें बुलाया तो ऐसे लग रहा था जैसे कि पिटाई होगी, लेकिन जब घर पहुंचे तो उन्हें पत्र लिखते पाया जिससे थोड़ा डर दूर हुआ, और उनके भाई ने उनसे चिट्ठियां देकर कहा कि इन्हें मक्खन फूर के डाकखाने में डालो। सर्दियों के दिन थे, हवा बहुत तेज थी और कंप कंपी लग रही थी, और इतनी तेज हवा थी कि अंदर तक हम ठिठुर जाते हैं ना, बहुत ज्यादा ठंड होती है तो हम अंदर तक ठिठुर जाते हैं, कहते हैं हाँ शिवलिंग जैसा कि आज तो हड्डियों में हवा घुस रही है जैसे। तिस पर, जाड़े के दिन थे, तिस पर हवा, एक तो जाड़े के दिन थे, ऊपर से हवा चल बह रही थी। चलिए यहां से कोई बात नहीं, माँ ने भुंजाने के लिए थोड़े चने एक रोटी में बांध लिए। भुंजाने के लिए मतलब आजकल जैसे हमें भुने हुए चने बाजार से मिल जाते हैं ना, पहले चने भुनवाए जाते हैं। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर, डंडा डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस प्रभु के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल से, कहते हैं इस उम्र में राइफल से इतना प्यार नहीं है जितना उस डंडे से प्यार। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका, यानी कि उनके डंडे ने नारायण वाहन मतलब क्या, नारायण वाहन, वाहन जिसे जिसे सांप, जिसे सांप, जो सांप को मार देता है, ठीक है, श्वान नहीं, नहीं, ठीक है। कहता है कि मेरे लिए उसका काम वो डंडा कर चुका था, यानी कि कई सांपों को मार चुका था। हाँ जी, मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच बढ़ने वाले आम के पेड़ों से प्रति वर्ष उससे आम झुरे जाते हैं मतलब तोड़े जाते हैं। इस कारण वह मुंह डंडा गंभीर सा प्रतीत होता था। डंडा जो है वो मुख है, बोल तो नहीं सकता ना, मुख मतलब जो बोल नहीं सकता, लेकिन उसने इतने सांपों को मारा और हर वर्ष आम तोड़े जाते हैं उसकी सहायता से, तो ऐसे लगता था जैसे वो सजीव उठा है। प्रसन्न वदन, प्रसन्न मतलब खुश, वदन चेहरा, प्रसन्न चेहरा लिए मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में, चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया, कुर्ते में जेबें नहीं थी, ठीक है। वत्सल को दे दीजिए, आ जाइए इधर आकर पढ़िए बेटा। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से चार फरलांग दूर उस कुएं के पास आ गए जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआ कच्चा था और 24 हाथ गहरा था, ये पूरा हाथ है, 24 हाथ गहरा कुआ था और उसमें एक काला सांप पड़ा हुआ था और कुआ कच्चा भी था, उसमें पानी ना था, उसमें ना जाने सांप कैसे गिर गया था, कारण कुछ भी हो। अब देखो जहाँ क्वेश्चन मार्क होता है या जहाँ जो भी विराम चिन्ह लगा ना उसकी रीडिंग वैसे की जानी चाहिए,
अब इस वाक्य को आपको कैसे पढ़ना चाहिए था, उसमें ना जाने सांप कैसे गिर गया था, ठीक है। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। बच्चे नटखट होते ही मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी बानर टोली क्यों बोल रहे हैं? जैसे बंदर उछल कूद करते रहते हैं, शरारती होते हैं, कहते वैसे ही हमारी टोली भी वानर टोली थी और उछल कूद करती हमेशा जाती थी, शरारतें करते जाते थे। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उझकना क्या होता है, मतलब कोई चीज है गहरी है ना, तो हम उसको ऐसे करके झांक रहे हैं। उझकने की सूझी, सबसे पहले उझकने वाला मैं ही था। कुएं में झांक कर एक ढेला फेंका की उसकी आवाज कैसी होती है, उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि क्या होता है? हाँ, इको होती है ना आवाज, जैसे हमने कुछ बोला वो आवाज पलट कर फिर से हमें सुनाई दे, उसे कहते हैं प्रतिध्वनि। सुनने की इच्छा थी पर कुएं में जो ही ढेला गिरा क्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। बैठिए बेटा, गुड। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे खिलौने करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। मृग समूह, मृग मतलब हिरण, हिरणों का झुंड, जैसे हिरणों का झुंड जा रहा है अपनी मस्ती में खिलौने कर रहा है और अचानक से कोई कुत्ता भौंके तो वो हैरान हो जाए। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह करने लगा। वहां से जब कुएं से आवाजें आने लगी, सांप पुकारने लगा, गुस्से में था तो उसके आवाजें सुन सुनकर सब लोग हंसने लगे। कह कहे लगाना मतलब हंसना, खिलखिलाकर हंस पड़ना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई रीडिंग करेगा, रेज योर हैंड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपकी वीडियोस बंद हैं, आप म्यूट हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, क्या आप वही हैं? प्रतिक्रिया क्या होती है? कोई रिस्पांस नहीं आ रहा आपका, रिस्पांस नहीं आ रहा। प्रतिक्रिया मतलब आप मेरी बातों को जवाब नहीं दे रहे, शायद गायब हैं सब लोग। चलिए, गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रायः प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। मैं तो आगे भाग कर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। ऐसा क्यों? ताकि कहीं टोपी उसमें गिर ना जाए। यह रोजाना की आदत सी हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था, इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। प्रवृत्ति मतलब मन में वो जो आदत थी, मन की जो इच्छा थी, वो जागृत हो गई कि अब फिर जो आदत पड़ चुकी थी कि इसमें ढेला फेंकना है, आवाज आएगी, उसको सुनेंगे, ठीक है। अब फिर से मन कर रहा था। बेटे आप कक्षा में ही हैं, मानसिक रूप से भी कक्षा में उपस्थित रहें। मैं कुएं की ओर बढ़ा, छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। शावक मतलब बच्चा, शावक बच्चा, मृग मतलब हिरण। कहते हैं छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे ऐसे आ रहा था जैसे बड़े हिरण के बच्चे के पीछे, हिरण का बड़ा बच्चा है उसके पीछे हिरण का छोटा बच्चा चल रहा। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। स्मरण मतलब याद, अब तक मुझे याद नहीं है। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में
गिर रही थी, वो भूल ही गया कि टोपियों के नीचे, टोपी के नीचे चिट्ठियां हैं। अकस्मात, अकस्मात मतलब अकस्मात, अचानक, अचानक जैसे ही जैसे घास चरते हुए हिरण की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है। हत होना मतलब गोली लगने पर जब वो मर जाता है, निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है। उसी भांति वे चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है। देखो बड़े भाई का एक बुलावा आया था कि भाई साहब बुला रहे हैं घर जाओ, कितना डर गए थे, डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, क्या होगा नहीं होगा। और ये तो भाई साहब की चिट्ठियां थी जो डाकखाने में डालनी थी, चिट्ठियां कुएं में गिर गई, ऐसी दशा तो होनी ही थी। पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे, कुएं की पाट मतलब मुंडेर होती है ना, वहां पर बैठे हम रो रहे थे। छोटा भाई ढाड़े मारकर और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर, ढाड़े मारना मतलब जोर जोर से रोना, दहाड़े मार मार कर रोना, ठीक है हम रोकर दिखा रहे हैं, चलो दहाड़े मार कर रोना। और कहता है मेरी आंखें डबडबाई हुई थी, आंखें भरी हुई थी, शॉक में था, क्योंकि वो शॉक में था, उसे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया, ठीक है। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा, पिटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान आता था। उद्वेग मतलब घबराहट, डर था, चिट्ठियां गिर गई और निराशा थी कि अब मिलेंगी नहीं, पिटने का डर अलग से था, उद्वेग घबराहट भी हो रही थी, उससे रोने का उफान आता, एकदम से रो पड़ता, उफान आना, दूध उबलता है ना, जो उबलता है, जो मतलब दूध में उफान आ रहा होता, उबल रहा होता, नहीं हो सकता, आंखें डबडबाई हुई थी, आंसू बह रहे थे, दहाड़े मारकर नहीं रो रहा था, पर आंखें ऐसे भरी थी, आंखें ऐसे झपको, आंसू तो गिरेंगे, कंट्रोल नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन वो दहाड़े मारकर नहीं रोया, दहाड़े मारकर रोना कुछ अलग होता है, छोटे बच्चों को देखा है किसी चीज के लिए रोते हुए, दहाड़े मार मार कर रोते, ठीक है, वो दहाड़े मारकर नहीं रो पाया, छोटा भाई रोया। पलकों के ढकने, पलकों के ढकने, ढक्कन, पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर, कपोल गाल, कपोलों पर आंसू ढुलक ही जाते थे। माँ की गोद की याद आती थी, जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियां फिर लिख ली जाएंगी, चिट्ठियों का क्या है, फिर लिख लेंगे, कोई बात नहीं। आजकल होता है ऐसा, बेटा डोंट क्राई, इट्स ओके, वील डू इट अगेन, डोंट वरी, मुझे नहीं पता, होता है ऐसा, है ना, यू डू नॉट वरी, वी विल डू इट अगेन, है ना। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, उस समय कोई ये कहने वाला नहीं था कि चिट्ठियां दोबारा लिख ली जाएंगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए, पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही नहीं था। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती, रुई को धुनते देखा है कभी, है ना, डंडे से उसको पीटते हैं, भूनते हैं, चिट्ठी के पीछे देखो हमें कितना वो लग रहा है ना, एक चिट्ठी के पीछे रुई की तरह धुनाई होती, हम बहाना मार देंगे, ये सिंह हम बहाना मार देंगे, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे था वैसे था, तो काम चल जाएगा, ठीक है,
अगर कोई सामने से कुछ कहेगा तो हम चार छह जवाब और दे देंगे, तो अगला बंदा सामने से ये कहेगा तुम्हें तो आगे से काम ही नहीं करना, इससे अच्छा तो मैं खुद ही कर लूं। पर उस समय ऐसा नहीं था, उस समय मेल नहीं थी, मेल्स नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। चलिए, घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती, मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था, सच बोलकर पिटने के भावी भय, भावी मतलब नहीं फ्यूचर में जो डांट पड़ने वाली थी, फ्यूचर भावी आने वाला समय, डांट पिटने के, सच बोलने पर पिटने के भावी भय, अगर सच बोलेंगे तो पिटाई होगी इस बात का डर था, और झूठ बोलकर चिट्ठियों के ना पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था। अगर सच बोलूंगा तो पिटाई होगी, झूठ बोलूंगा तो चिट्ठियां पहुंचेंगी नहीं, फिर पता चल जाएगा कि चिट्ठियां नहीं पहुंची। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए, देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था, मतलब शाम ढल रही थी, कहीं भाग जाने की तबीयत करती थी, मन करता था कहीं भाग जाऊं, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही। इसके बाद लेखक की क्या दशा हुई, लेखक ने क्या किया, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट मंडे। ओके, थैंक यू बेटा।